वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। और अब वो मसला है जो कहानी घर घर की, इसलिए कि बदकिस्मती से वो चीज़ें जिनमें हम प्राइड लेते थे, और वो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत था, हमारी वैल्यू सिस्टम बड़ी मजबूत थी। हमारा घरों में कोई मसला हो जाता था तो बड़े मिल बैठते थे, बैठ कर फहम तफहीम के साथ उसका कोई हल निकाल लेते थे। हमारी पर्या होती थी जिसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मसले जो हैं उनके बड़े आसान हल निकाल लिए जाते थे, बड़े सीधे सीधे हल, कोई साइंस नहीं लगाई जाती थी उसमें, बड़ा सीधा मामला होता था। और ये पर्या का जो कॉन्सेप्ट जिन घरों में जिन खानदानों में होता है वो खानदान हमेशा मुस्तहकम रहते हैं, वो खानदान हमेशा मजबूत। बदकिस्मती से सब कुछ खत्म हुआ, वो खानदान रहते हैं, मतलब वरना तो खानदान ही नहीं रहते। वो खानदान रहते हैं जब आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। फरा, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहूंगा, चाचे तायों की बात बुरी नहीं लगती है। हाँ, जब खानदान आप समझने के, और आपका चूंकि आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा होता है ना, आपकी आपके अंदर ये जीन्स में ये बात होती है कि अच्छा कोई मसला होगा तो बड़े उसका फैसला करेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो कबूल करना होगा, उसमें इफ एंड बट्स नहीं होता, नहीं होता। ये तो फिर यूँ नहीं, वो आपको पता है कि ये हतमी फैसला है, ये वो पंचायत है या ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने फैसला कर दिया, आपने कबूल करना। हमने कहा ये सब कुछ गलत है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने फैसले हैं, हमारी तो अपनी मर्जियां हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला है, बच्चे सबसे पहले जो है ना मुकम्मल तबाह हो गया। और सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन हो रहे हैं, जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सोच रहे होते हैं, वो होते हैं बच्चे। हम बात करें घरेलू नाचाकियों की, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर आप कोर्ट्स में जाकर देखें तो इस वक्त जो हम बात करें किसी भी बड़ी से बड़ी डिजीज की है, किसी बड़ी से बड़ी वबा की, उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जितने घर टूट रहे हैं, जितने डिवोर्सेस के केसेस हैं, और हमजा बदतरीन बात उसमें भी है, नान नफका की वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो किए जा रहे हैं, यानी प्रोवाइड नहीं किया जाता औरत को या बच्चों को, जिसकी वजह से मजबूर होकर वो रुख करती है। और दूसरा ये कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में चाइल्ड कस्टडी के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा, 110% इजाफा। ये हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, सिर्फ कराची की 110% इजाफा हुआ। और फैमिली कोर्ट्स में 18 माह, जो गुज़िश्ता 18 माह है उनकी बात करें तो दौरान तलाक, खुला और बच्चा हवालगी के 15,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। 15,000 से ज़ायद केसेस सिर्फ 18 माह। और सामने स्क्रीन पर आपके सामने मनाजिर हैं जो ये हवालगी के दौरान हो रहा होता है। ये इतना कोई दिल शिकन मामला होता है कि इसको टॉलरेट करना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि इतना जुल्म जो है वो हम कैसे कर गुजरते हैं अपने बच्चों के ऊपर और अपनी नस्लों के ऊपर, लेकिन ये हो रहा है। और इसके इम्पैक्ट जो है उन बच्चों के ऊपर बहुत शदीद है, जो कि वालदैन की अलहदगी देखते हैं और उसके बाद फिर वो इस सारे मरहले से गुजरते हैं। और छोटी छोटी बातों पर खुला, अगर हम कानूनी माहरीन उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं थी। मैंने ऐसा देखा फरा, अदालत के अंदर अक्सर जजिस कोशिश भी करते हैं कि बच्चों आप लोग अलहदा जाएँ, आप लोग जाके कर लें, आप लोग कोशिश करें, तारीख डाल देते हैं कि किसी तरह से ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होता। ये क्यों नहीं हो पा रहा होता, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? माहिर कानून और वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ये बताइएगा कि ये केसेस बढ़ गए हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मसला क्या है, क्या बर्दाश्त खत्म हो गया, केसेस किस नौयत के होते हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर जो खुला घरेलू नचाकी के केसेस हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और 2019 की और 2020 की बात की जाए तो हमारी जो लाहौर कोर्ट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर कोर्ट्स हैं और स्पेशली जो फैमिली कोर्ट्स हैं, इनके अंदर घरेलू नचाकी की वजह से बेशुमार जो खानदानी रिश्ते थे और निकाह के रिश्ते थे वो तलाक की नजर हुए, और बहुत बड़ी तादाद में खुला के केसेस जो हैं वो लाहौर की फैमिली कोर्ट में फाइल हुए, जो कि अगर गुज़िश्ता 2017-2018 की निस्बत देखिए तो बहुत ज्यादा थे। जहां तक आपने दूसरी बात की कि एक आर्बिट्रेशन का एक प्रोसेस मिलता था, घर के बडेरे, घर के बड़े बुजुर्ग जो थे वो सुलह सफाई करवा देते थे, अदम बर्दाश्त का कला कमा भी करते थे, समझाते थे, सुलझाते थे। इस हवाले से ना 2016 में हमारे लॉ मिनिस्टर जो जैद हामिद थे, उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल भी टेबल किया और आर्बिट्रेशन के प्रॉपर प्रोसेस को लेजिटिमाइट किया और हमारी ATR कोर्ट भी इस्टेब्लिश की, जिनका पर्पज ये था कि हमारी लीगल चीटिंग से हट कर भी मियां बीबी को इकट्ठा बिठाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये जो आपके आपस के मामलात है ये आपकी बच्चों की जिंदगी पे या सोसाइटी पे या आपकी फैमिलीज पे कैसे असरअंदाज होते हैं। और काफी हद तक इसमें हमें देखने को ये मिला, पहले 2 सालों में काफी हद तक हमारी ADR कोर्ट्स ने बहुत सारे मैटर्स को डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर दीगर लॉज के अंदर कंजेक्टिव अप्रोच नजर नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती,
इसी तरह ये जो हमारा ATR कोर्ट जो 2016 में एस्टेब्लिश किए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनका शराजा भी कुल दो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बिखर के रह गया। और वो मामला जो ATR कोर्ट्स में आते थे, लोग ATR कोर्ट्स पे भी इतमाद करने से काफी रहे, क्योंकि उसके अंदर भी जुडिशियल इंटरवेंशन इतनी ज्यादा कर दी गई थी और इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोसीडिंग कर दी गई थी कि लोग फिर उससे भी इतनाब करने लग पड़े। तो बैरिस्टर वकास साहब, ऐसी एक मसालती काउंसिल भी थी जिसका काम यही था कि वो मसालहत करवाए और उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करे, वो सिर्फ ठप्पे लगाने का काम करते हैं। उनके पास अगर आ जाते हैं डिवोर्स के, वो तो सिर्फ उसे स्टैंप करके दे देते हैं, जी डिवोर्स हो गई। वो रोल परफॉर्म नहीं, जैसे आप कह रहे हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना वो कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि हमारा मुआशरा जो कि इस मामले को बुरा भी समझता है, तलाक को वो एक धब्बा भी समझता है औरत के ऊपर, सिर्फ सॉरी मर्द के ऊपर नहीं, तो वो ये चाहता भी नहीं है कि मुसालहत हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अपना जो किरदार उनका बनता है वो भी नहीं निभा रहे हैं, वो वहाँ गुनाहगार तो हैं ही, लेकिन क्या कानून के मुजरिम नहीं है? बरा इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपने क्वेश्चन किया। एक एस्पेक्ट तो ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो मसालती काउंसिल का स्पेशल जो यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी मसालती कमेटी और मसालती काउंसिल कायम की गई है, उसका काम तो यही है ठप्पे लगाना। वो तो ये बॉदर नहीं करते कि दोनों फरीकैन को मियाँ और बीवी को टेबल पे लाए, निगोसिएशन करें, कंसिलिएशन करें, आर्बिट्रेशन करें, और इनके जितने भी कंफ्लिक्ट्स हैं, कितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। बेसिक पर्पस तो मसालती काउंसिल का यही था कि उन दोनों की पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज को डिसाइड करे और अफहामो तफहीम से उनके मैटर्स को सॉल्व करे। दूसरी चीज इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा कि तलाक का धब्बा लग जाता है, मैं जरूर एक चीज आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि हम इन्हीं कोर्ट्स के अंदर, इन्हीं कचहरी के अंदर बेशुमार ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जिनके घर वाले बच्चियों को मजबूर करते हैं कि आप बुला ना लें, लेकिन उसके बाद नतीजा ये निकलता है, कभी तजाब उनके मुंह पे फेंक उनका मुंह जला दिया जाता है, कभी पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाती है, कभी किसी की उंगलियां काट दी जाती हैं। इस तरह के अंदर लाहौर में, शहदरा के अंदर ये बेशुमार केसेस हमने 2018 और 19 में इस तरह के देखे। और इसके अलावा एक दूसरा एलिमेंट भी ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त के साथ साथ ये जो रिश्तों के अंदर जब हम रिश्ते करवाने जाते हैं या करते हैं, उस वक्त झूठ के पलंदे जो हम नाफिज कर देते हैं उससे खानदान के सामने, सही दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर वकास, आप हमारे साथ थे, ये अहम था जिसके हवाले से आप हमें बता रहे थे, हमारे साथ अपने जो कानूनी आपकी राय वो शेयर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो खानदानी तौर पे लोगों को देखते हैं, ये ना देखिए कि उस खानदान में पैसा कितना है, उस खानदान में गाड़ियाँ कितनी हैं, लड़का क्या करता है, लड़के का बाप क्या करता है, ये जरूर देखिए कि उस खानदान में रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या किसी तनाज़े की सूरत में वहाँ पर ये पर्या का अदम बर्दाश्त करने का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हिकमत को समझते हैं कि क्या, और अगर नहीं है वो तो जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी बंगले हैं, जितने भी बैंक बैलेंस हैं, सब बेकार। अच्छा, अभी तो ये बात है ना फराई कर रही थी, मैं इसके साथ एक चीज़ लिंक करना चाहूँगा, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। पहले जब शादियां होती थी, हमने तो सुना है, देखा नहीं है ऐसा होता हुआ, अभी गाँवों में खैर ये चीज़ होती है, पंजाब के गाँव में तो मुझे पता है ऐसे ही होता है कि पूछते हैं, दादा का पूछेंगे पर दादा का पूछेंगे, नाना का पूछेंगे पर नाना का पूछेंगे कि जी कि उनकी कितनी शादियां थी, क्या था, अच्छा किसी के खानदान में तलाक तो नहीं हुई, अच्छा ये सब कुछ कौन पूछ के जाता है जो नाई मरासी करवा रहे होते हैं, रिश्ता करवा रहे होते हैं, और फिर दूसरी फैमिली जो है ओके करती है, और इन चीजों को ज्यादा देखा जाता है। लव मैरिजेस के नाम पे भी बड़ा मामला खराब है। एनीवे, ये इट्स अ होल टॉपिक जिसके ऊपर आप, क्योंकि हमारा सोशल फाइबर है ये तबाह हुआ, तो ना वैल्यूज आएंगी, ना कदरें आएंगी, ना सच बोलने का कोई कहेगा, ना ईमानदारी का कहेगा, एक ही होगा कि बस अदम बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी शेयर करते हैं। हाँ, अच्छी खबर है जिसके हम सब इंतजार भी करते रहे, ऐसा हो भी गया और पाकिस्तान ने जो कहा वो करके भी दिखाया है। कामन जो है ना, उससे देख के मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला सुन भी लेता है, बेजुबानों की जो फरियाद है वो भी वो सुनता है, और ये अनहोनी दिखाई देती थी कि एक बेबस जानवर जो जख्मी है बचपन से, यहाँ पर एक कसमपुरसी की जिंदगी उसने गुजारी है जो मैंने तो आंखों से देखी हुई है, वो किस तरह से वापस अपने वतन पहुँच गया और पाकिस्तान ने अपनी हिफाज अपना वादा जो है वो पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जब उधर पहुंचा है कावन, और वहां पर भी बहुत ज्यादा खुशी थी। आपको पता कावन पाकिस्तान आया कब था और कैसे आया था?
अच्छा, छोटी सी कहानी है। मुझे ये पता है, मुझे ये याद है कि जनरल ज़ियाउल्लाह की शायद बेटी को गिफ्ट मिला था। बेटी, उनकी बेटी ने फिल्म देखी थी हाथी मेरे साथी, या कोई फिल्म जिसमें हाथियों के साथ उनका ऑब्सेशन हो गया था जैन ज़िया, और फिर उसके लिए वो मंगवाया गया था। ये छोटा 1980s की बात है। एंड देन उसके बाद से ये 35 साल इसने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में गुजारे, जो कि फिर बहुत इसकी हालत ख़राब भी रही है। फाइनली इज़ बैक होम। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं फरा, और एक और अहम चीज़ है कि जिसके हवाले से हम बात करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर आपसे वो बात करेंगे और हमारे साथ रहें।